झारखंड का राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूँ। श्री रामेश्वर उरांव, श्री दीपक बिरुआ, श्री बन्ना गुप्ता, श्री बद्दल, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, श्री बसंत सोरेन, श्री हाफिजुल हसन, श्रीमती बेबी देवी, हस्ताक्षरित सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल झारखंड। मैं माननीय मंत्री मनोनीत को शपथ ग्रहण हेतु क्रमवार आमंत्रित करता हूं। श्री रामेश्वर उरांव, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बसंत सोरेन, मैं बसंत सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के प्रति मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बसंत सोरेन
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हफीजुल हसन मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि मैं भारत के आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के ताईं इत्काद रखूंगा और इसका वफादार रहूंगा। मैं हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। मैं रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से अपने फ़राइज को सदाकत व वफादारी से अंजाम दूंगा और मैं बिला किसी खौफ या जानबदारी लगाव या अदावत के हर तरह के लोगों के साथ दस्तूर हिंद और आइन के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि रियासत झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी शख्स या इस खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाएगा या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो के इतला किसी को नहीं दूंगा या इसको जाहिर नहीं करूंगा सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर मेरे फराइज की बजाबता सरे अंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो।
श्रीमती बेबी देवी, देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान और प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य की मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण निर्वाहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के विचार विधि के अनुसार नहीं करूं। मैं बेबी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय झारखंड राज्य की मंत्री के रूप में अपने मेरे विधि के लिए लाए जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसके किस व्यक्तियों की व्यक्तियों को तब की विषय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सिवाय निर्माण के लिए ऐसी करना चाहिए अर्थित और अभी परिचित अथवा अपरिचित और रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
सर गो डाउन सर मना किया था सर I request Honorable Governor for permission to conclude this function. सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े रहेंगे. सभी माननीय मंत्रियों से तथा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे राज्यपाल महोदय के साथ ग्रुप फोटो हेतु उपस्थित रहेंगे.